आपका स्वागत है क्लिप्स में बस देखते रहो रहो और सीखते रहो। मैं एक बहुत रैंडम चीज कहना चाहूंगा पता हाँ। नहीं मुझे इस पॉडकास्ट में क्यों कहनी है पर आई एम फीलिंग लाइक बचपन में ना जब भी मैं पुराने हिंदी फिल्म देखता था अच्छे लगते थे पर रजिस्टर नहीं होते थे एंड आई डोंट रिमेंबर वॉचिंग ओल्ड वेरी ओल्ड मतलब सिक्सटीज फिफ्टीज हाँ। के हिंदी फिल्म आफ्टर द एज ऑफ टेन मतलब दादा दादी के साथ बैठ के देखता था पर कल रात मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी आई सॉ मे बी लाइक वन सिक्स वन फिफ्थ ऑफ इट एक फिल्म है गुरुदत्त की फिल्म है प्यासा आ, yeah. आ, बहुत एक्चुअली yeah. जेनजीज ने कम देखी है बट इतनी ज्यादा टेक्निकल फिल्म इतना ज़्यादा yeah. दिमाग लगाया उस फिल्म yeah. में ब्लैक एंड वाइट फिल्म है में कुछ लोगों को स्लो लगेगी स्टोरी बहुत झट से मिल yeah. नहीं होती बट सीन टू सीन प्रोग्रेशन हर सीन के अंदर जूम इन कैसे होता Correct. है मतलब एक्चुअली आई फील कि गुरुदत्त अपने दिमाग में जो वो कहना चाह रहे थे एज अ स्टोरी yeah. वो कैमरा के थ्रू कह, कह रहे थे, थे। फिर ब्लैक एंड व्हाइट में आप किस तरह के फ्रेम सेलेक्ट करते हो टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग किस तरह के कलर पैलेट सेलेक्ट करते हो आप वो सब भी है भारत के बारे में बताइए 70s 80s hmm. 90s 2000 2010s पर्सपेक्टिव से क्योंकि हर कोई फिल्म स्कूल नहीं जाएगा करेक्ट जो भी आपने सीखा आई थिंक हमने शुरुआत बहुत कमाल की थी ऑफ कोर्स 31 में हमने अलमारा बनाई थी पहली टॉकी हमारी पर उसके बाद जो फिफ्टी 60s का दौर था बहुत अच्छा था मतलब सिर्फ यहाँ नहीं रीजनल लैंग्वेज में भी जो फिल्म बन रही थी वो भी बहुत अच्छी रे घटक सत्यजीत रे की आपूस्टिलोजी वो जरूर देखिए पृथ्वी घटक दा की मेघा का नागरिक रिवर कॉल टीतस आ, बहुत अच्छे अच्छी फिल्म बना रहे थे थोड़ा सा पॉज करें फिफ्टीज और सिक्सटीज में हाँ। uh, मेरे ख्याल से हेवी फिल्म इम्पैक्ट ड्रिवन फिल्म ये मैंने पढ़ा है इम्पैक्ट ड्रिवन थी बट हाँ बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म थी मतलब पाथिर पाचाली देख के बाहर भी सब हिल गए थे कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई फिल्म बनी है फिर रितविक घटक साहब की फिल्म आई तो ये हमेशा चलता रहता है कि इज़ बेटर घटक और रे ये एक एक कंपैरिजन हमेशा रहता है आ, उसके बाद आई थिंक सेवेंटीज़ भी बहुत अच्छा था सेवेंटीज़ में आ, जब मनमोहन देसाई हालांकि कमर्शियल सिनेमा था लेकिन ठीक कमाल की स्टोरीज़ थी यू नो यश चोपड़ा जी जो बना रहे थे मनमोहन देसाई सर जो बना रहे थे और एक तरफ श्याम बाबू आ गए थे यू नो कुमार शाही आ गए थे गोविंद नीलानी जी आ गए थे तो ये सब बना रहे थे तो बहुत कमाल का दौर था कि दो बहुत ही स्ट्रॉग इम्पैक्टफुल सिनेमा साथ में चल रहा था आ, फिर एट्टीज़ भी एट्टीज़ में आई थिंक धीरे धीरे हमने कुछ हुआ हमारे सिनेमा को आई वोंट विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वोंट से कि वो ख़राब था कि अच्छा था लेकिन जो एक तरह की स्टोरी टेलिंग थी ना उसमें बहुत बदलाव आ गया एट्टीज़ नाइन्टीज़ में बहुत बदलाव आया फिर हमने हमको पता है वो सब फिल्म तो ऑफकॉर्स हम सब ने देखी हैं नाइन्टीज़ की जिसपे हम बड़े हुए हैं प्यार वाले, हाँ, प्यार वाले फिल्म्स हाँ प्यार वाले फिल्म हीरो हीरोइन विलेन <laughs> कि ये जो एक एक फार्मूला होता था इस पर हम बड़े हुए हैं लेकिन लकड़ी टू थाउजेंड में फिर एक नई जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स आए नो दीपाकर इम्तियाज विशाल सर अनुराग कश्यप सर ये सब आए हंसल मेहता अनुभव सिन्हा इन्होंने सिनेमा की लैंग्वेज वापस रामू आई थिंक द बिगेस्ट नेम वॉज रामू राम गोपाल वर्मा दैट मैन हैज चेंज्ड ही हैड चेंज द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा उन्होंने स्टोरी टेलिंग की परिभाषा को विद सत्या बदल के रख दिया था विच शिवा फर्स्ट बट सत्या वॉज ऑफकोर्स द फर्स्ट लाइक हिंदी फिल्म लैंग्वेज फिल्म जो इतनी बड़ी चली भी थी हिट हुई थी तो फिर से सिनेमा जो है हमारा सेवेंटीज में जो हमने छोड़ा था ना वो वापस आ गया था लेकिन अब अच्छी बात क्या हुई थी कि ये सिनेमा बॉक्स ऑफिस में भी चल रहा था hmm. विच इज ग्रेट तो आई थिंक वो अभी तक कंटिन्यूटी में है लकीली सिनेमा मुझे लगता है कि हर पंद्रह बीस साल में बदलता है जो कि अच्छा भी बदलना भी चाहिए परिवर्तन संसार का नियम है सिनेमा में भी आना चाहिए वो बदलता है तो फिर वो सिनेमा वापस से अभी उसी दौर पर चल रहा है जहाँ पे जिस तरह की फिल्में राम गोपाल वर्मा बना रहे थे फिर दिपाकर आए वो अपनी एक कमर्शियल कॉमेडी लेके आए घोंसला का घोसला ओए लक्की लेकिन अलग ही स्टोरी टेलिंग थी एलएसडी mm. अलग ही फिल्म थी फिर मोटवानी आए उन्होंने लुटेरा और उड़ान और ट्रैप सो आई थिंक कमाल कमाल की अभी आई थिंक राइट नाउ जो स्टेट है हमारे सिनेमा की वो बहुत अच्छी है बहुत यंग सारे यंग फिल्म मेकर्स आ रहे हैं हमें पता नहीं होता है पर इंडी स्पेस इतना बड़ा है ना इतनी कमाल की फिल्म बनती हैं इंडी स्पेस में जो हमें शायद पता भी नहीं होता है आई डो नाफ आई कैन ऑफकोर्स वाच फॉर इट बट मूवी इफ आई कैन प्रमोट बट मूवी इज़ दैट ऑफकोर्स दैट यू नो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको ये सब फिल्म देखने को मिलती हैं जो अदरवाइज़ नहीं मिलती हैं अमूमन बाकी प्लेटफॉर्म्स uh, पर

अक्सर लोग ना मतलब जनरल ऑडियंस इंडी इंडिया नहीं देखती unless they understand, like, या, 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 या। तो इंडी फिल्म देख कर मिलता क्या आपको आपके दिल को कहानी ऑफकोर्स एक किस तरह से वो कहानी कही गई है कही गई है क्या परफॉर्मेंसेज हैं वो इतनी रियल स्पेस में होती है तो बहुत ज्यादा मज़ा आता है हम लोग ईरानियन सिनेमा की जो बात करते हैं कि इतना रियल होता है मतलब वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी तरह की जो स्टोरी टेलिंग है वो हमारे यहाँ पे भी है पर वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म्स बना ली है अच्छी फिल्म बना ली है लेकिन अभी कुछ पता नहीं है रिसोर्सेज नहीं है कि उसको बाहर कैसे निकालें तो वो भी एक प्रॉब्लम आई थिंक उसके लिए भी आई होप कुछ ऐसा एक चैनल बने एक रास्ता बने कि वो लोगों तक पहुँचे वो फिल्म पर अगर पास्ट की बातें करें वही वो फिफ्टीज़ और सिक्सटीज़ में आ, मैंने ये नोटिस किया कि अक्सर न आ, जो प्रोटैगनस थे इट वुड बी वेरी आई डोंट लाइक यूजिंग दिस वर्ड बट वो सेल्फ पिटी ओरिएंटेड स्टोरी होती थी थोड़ी mm -hmm. कि दे मेरी कितनी मुश्किल लाइफ है मुझे कितनी mm -hmm. मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वर्सेज नाव जहाँ रियल स्टोरी ज्यादा चल रहा रही वे पिटी इज नॉट हाईलाइटेड पर हाउ टू गेट आउट ऑफ पिटी इज हाईलाइटेड सोल्यूशन ओरिएटेड माइंड सेट अब दिखाई देते हैं कि जो आगे कैसे बढ़े मुझे लगता है कि मेरा थॉट है आई आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज बट मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग वो इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट आसपास था हमारा देश ऊपर आ रहा था धीरे धीरे तो ऑफ़कोर्स ये सब था बहुत था उस वक्त यू you नो know, उस वक्त ये सब था वेयर पीपल वर लुकिंग फॉर वर्क उनको समझ नहीं आता कि अभी क्या है क्या नहीं है समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें तो आई थिंक वो वो दौर था जब फिल्म मेकर्स वो कहानियाँ कह रहे थे स्पेशली जिन फिल्म मेकर्स की मैं बात कर रहा हूँ नो ऋत्विक घाटक एंड रेह साहब ये सब क्योंकि समाज से ही कहानी उठाते थे तो इन्होंने वो चीज़ें बहुत देखी हैं क्लोजली आई थिंक इसलिए मुझे लगता है कि उस तरह का सिनेमा उस तरह की कहानियाँ बन रही थी बिकॉज वैसा हो रहा था लाइक hmm. सेवेंटीज़ like में जब हम अगेन मैंने सुना है कि जब एंग्री यंग मैन जो बच्चन साहब को हम बुलाते हैं बिकॉज तो उस टाइम था बहुत एंगर गुस्सा गुस्सा था बहुत एंगर था कि कि चीज़ें नहीं हो रही हैं ये नहीं हो रहा है वो रहा है तो इसलिए लोगों लोग कनेक्ट कर पाए यू नो विजय से उन्होंने बहुत फिल्म में विजय का कैरेक्टर निभाया है तो उससे कनेक्ट कर पाया कि वो अपने आप को देखते हैं उस एंग्री यंग मैन में आई थिंक सिनेमा जो जब चल रहा होता है जो चीज समाज में चल रही होती है उससे भी बहुत कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आता है सिनेमा पर भी hmm. इसलिए अभी आप जो बोल रहे हैं बिच आई थिंक अगेन इज राइट कि हाँ सेल्फ पीटी है बस सोल्यूशन ढूंढना है उसका hmm. और सक्सेसफुल होके निकलना है तो वही चल रहा है।, तो उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स है इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ